नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी, मेरे YouTube चैनल क्लब कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, मैं फिर कड़ी का जोड़ भाग दो लेकर आया हूं। इसमें एक सवाल है, देखिए, कड़ी में दो धन तीन, कड़ी में दो धन सात, कड़ी में पांच धन सात, कड़ी में पांच। देखिए, तो इसमें हम बताए हैं कि घात हमारा समान होना चाहिए और आधार हमारा समान होना चाहिए। इसमें देखिए, यहां यहां कड़ी में दो और कड़ी में दो, ये हमारा घात ये बराबर मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीन और एक चार, यहां चार कड़ी में दो होगा, क्योंकि यहां तक मिल रहा है। अब इसमें देखो दोस्त, यहां अलग समान मिल रहा है। देखिए, आधार पांच और यहां भी आधार पांच, यहां गुणांक सात, यहां भी गुणांक सात। तो खैर, गुणांक से लिया लेन देन नहीं होता है, बस हमको देखना है आधार और घातांक। तो आधार हमारा बराबर है और घात देखिए, यहां भी दो है और यहां भी दो है। मतलब बता चुके हैं कि जहां हमारा घात कुछ भी ना हो वहां दो होता है। तो बस, तो इसमें देखेंगे कि हमारा घात घात बराबर और आधार आधार बराबर, ये अलग जुटेगा। आइए, तो सात और सात यहां हो जाएगा चौदह और कड़ी में पांच, यहां मत कर दीजिएगा, सात सात चौदह और कड़ी में दस, पांच पांच दस, ये हो जाएगा गलत। आधार नहीं जुड़ता है, केवल गुणांक को ही जोड़ा जाता है। ओके, अब आइए, अब देखा जाए। अब यहां तो ये अलग जुटा और ये अलग जुट गया, ये हो गया। अब देखिए, यहां फिर मिलाइए, यहां जो है घात दो, इसमें भी घात दो, यानी कड़ी में दो का हमारा घात दो दिखाई दे रहा है, यहां कड़ी में पांच, यहां भी दो दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये दोनों में घात समान है। अब चला जाए आधार पे, यहां आधार दो है, यहां आधार पांच है, इसलिए यह जो है हमारा आधार जो है बराबर नहीं है दोस्त। तो इसमें फिर अब जोड़ा नहीं जाएगा, हमारा आंसर इतना ही बन करके निकलेगा, ये हमारा आंसर हुआ। जैसे एक और सवाल देखिए, यहां पे है आपका थ्री कड़ी में सेवन और प्लस आपका फोर कड़ी में थ्री और प्लस टू कड़ी में सेवन। चलिए, यहां भी हटा दे रहे हैं। आइए, अब देखिए दोस्त, इसमें हमारा जो है ये देखिए, इसमें कड़ी में सात, कड़ी में सात, इसमें घात घात बराबर, घात तो सॉरी कड़ी में बराबर है, लेकिन इसमें आधार हमारा दो ठो बराबर दिखाई दे रहा है, कौन, कड़ी में सात और कड़ी में सात, ये हमारा एक जगह हो जाएगा। तो थ्री कड़ी में सात और प्लस फिर कड़ी में सात, ये हमारा आधार अलग है, मिल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा चार कड़ी में तीन, फोर अंडर रूट थ्री, ये अलग होगा। अब देखिए, दो का तो घात और आधार बराबर मिल रहा है, तो यही दो जुटेगा, यही दो जुटेगा। तो तीन और यहां गुणांक एक होता है, तो तीन एक चार हुआ और कड़ी में सात, यहां देखिए, और फिर यहां लिखेंगे चार कड़ी में तीन। अब यहां देखो, यहां देखो दोस्त, कि यहां जो है आधार हमारा बराबर नहीं मिल रहा है, ये आधार जो है हमारा बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो है सात और तीन नहीं जुटेगा, ये जुटेगा ही नहीं, इतना ही हमारा आंसर होगा, इतना ही हमारा आंसर होगा दोस्त। आइए, तो हमने आपको अभी बताया कड़ी का जोड़ दो भाग में हमने करके दिखाया, हमने इसके बाद इसके साथ साथ भी बताया कि कड़ी के जोड़ में क्या होता है, घात बराबर होना चाहिए और आधार भी बराबर होना चाहिए। इसके साथ मैंने आपको पहला भाग में भी बताया कि घात कहाँ रहता है, आधार कहाँ रहता है और गुणांक कहाँ रहता है। तो आइए मेरे वीडियो को देखिए और एक एक सवाल को बारी बारी से समझिए,
उसको एक एक चीज को समझिए और मेरे सवाल को समझिए और आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, धन्यवाद।